चूना लग गया है अपना कितने का? 6,000 का नेपाली करेंसी। नेपाली करेंसी 6,000 का। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त द वाइकिंग विक्रम, और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ वंस अगेन फ्रॉम पोखरा। और आज हम लोग निकल रहे हैं पोखरा से प्रयागराज। द टोटल डिस्टेंस इज 530 किलोमीटर एंड एज पर गूगल द टाइम विल बी 14 आवर्स। सो देखते हैं, कल का ऑफ रोडिंग करके सबको बहुत थक गए हैं, तो अभी देखते हैं कि प्रयागराज तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। अगर नहीं पहुंचेंगे तो उससे पहले स्टे ले लेंगे शायद गोरखपुर। तो चलिए अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, नाश्ता करते हैं, फटाफट लगेज लोड करते हैं बाइक पे और उसके बाद निकलते हैं। तो सी यू ऑन द बाइक। चलो बाय बाय। जय माता दी। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं होटल, अपने होटल संतना से घर की ओर वापस अपना देश, अपना मुल्क इंडिया। बहुत अच्छा लग रहा है। 5-6 दिन हम लोग इधर थे नेपाल में, एंजॉय किया नेपाल में हमने। तो फ्रेंड्स हमने लिया है नेपाल का स्टिकर, मैंने और निखिल भाई ने, और अभी इसको चिपकाएंगे। हम लोग मस्टांग का भी स्टिकर ढूंढ रहे थे पर मिला नहीं। तो ये रहा नेपाल स्टिकर, यस पेस्टेड। सो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग 9 किलोमीटर चले हैं और निखिल भाई अपना पूरा लगेज टाइट कर रहे हैं, लूज हो गया है। तो उसके बाद फिर निकलते हैं। 520 किलोमीटर है रिमेनिंग फॉर प्रयागराज। टाइम रिमेनिंग 13 आवर्स 14 मिनट। तो निखिल भाई हो गए हैं रेडी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स यहाँ से बुटवल है 145 किलोमीटर, काफ़ी अच्छा है, घाटियों से भरा हुआ। जो सिंगल लेन रोड बड़ा डेंजरस होता है, वो भी इन घाटियों में। तो बुटवल से सनौली, सनौली से प्रयागराज का है आज का सफ़र। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बाकी कोशिश अपनी जारी। वेलकम टू पैडी खोला आर एम प्रोविंस नेपाल। यस आगे क्या हुआ रे भाई? ओ फिर से है ना जगह? हाँ निकाल रहे ना। अरे बस बढ़िया, सब ठीक बा ठीक बा। पानी गिर रहा था भाई। फिर से जीता क्या? फिर से रोज जीता। आगे पुलिस, पीछे पुलिस। सो नाउ वी आर शॉर्ट ऑफ फ्यूल। अभी तक रिजर्व में हम लोग से 25 किलोमीटर चल चुके हैं और 5 मिनट में पेट्रोल है लेफ्ट साइड में, जैसा वो भाई साहब ने बताया। आज डे का पहला पेट्रोल भरवाएंगे एंड बॉर्डर क्रॉस करेंगे। निखिल भाई एंड राहुल अभी तक जलसे में फंसे हुए हैं और गाड़ी अपनी 9000 किलोमीटर कंप्लीट कर ली है अभी। मंकी। आज का पहला पेट्रोल 172 रुपये, 1700 का पेट्रोल भरवाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंपेयर टू अदर नेपाल सिटी पेट्रोल महंगा है, 172 का है। कोई नहीं, पेट्रोल तो फ्यूल करवा लिया, थोड़ा पानी वानी पीते हैं फिर उसको निकलते हैं। हम लोग अभी तक 70 किलोमीटर तक चले आए हैं एंड और 100 किलोमीटर है बॉर्डर। तो देखते हैं बुटवल में रुकते हैं या फिर सीधे बॉर्डर में रुकते हैं। खाना तो खाना है, टाइम हो गया है, 3 बज चुका है। राहुल एंड स्वप्नदीप आगे गए हैं, निखिल भाई पीछे हैं। तो राहुल निकल गया क्या? पूरा बॉर्डर में रुकेगा?
और एक तो पीछे ही रुका हुआ है। काफी दूर दूर में घर बना हुआ है और काफी अच्छा है यार, काफी मस्त नजारे हैं यार, हरियाली हरियाली। लड़का रुका ही नहीं लग रहा है, आज सोलो कर लिया पूरा राहुल। क्या बात है यार। मालूंगा मैं, हम लोग रुके थे पानी ब्रेक के लिए, अब यहाँ से निकलते हैं। चलेगा, चलो निकल भाई। काली गंडकी ब्रिज, राहुल को देखते हुए चलना, कहीं रुका उका होगा तो फिर। अरे हद है भाई, कहीं नहीं रुका। 4:04 देख रहा हूँ, सुबह से निकले भूखे प्यासे, बस बॉर्डर क्रॉस हो जाए ना, क्योंकि फिर रात में शायद बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देता है, क्या है पता नहीं, इसलिए बॉर्डर अपने को एनी हाउ क्रॉस करके खाना खाएंगे, उसके बाद चलाएंगे, फिर नींद आएगा तो सो जाएंगे कहीं भी। बिल्कुल। तो सनौली है 85 किलोमीटर, मतलब बॉर्डर है यहाँ से 85 किलोमीटर। देखते हैं बॉर्डर पहुंचने में कितना घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा तो लगेगा अगर इसी तरह का रोड रहा तो। एक आदमी तो ज्यादा ही आगे निकल गया है, अपना दोस्त राहुल, 1.5 घंटे का फर्क आ गया होगा उसके और आप। यस 100% वो बॉर्डर पहुंच गया होगा मेरे ख्याल से। भाई कितना पहाड़ चढ़वाएगा यार, कम कितना पहाड़ चढ़ेंगे कितना पहाड़ उतरेंगे पता नहीं, गिनती नहीं है। तो बोले हो गया देखा, अभी और होने का बाकी है मेरे दोस्त, बॉर्डर पहुंचते तक तो ऐसे ही चलेगा। और इधर जैसे जैसे हम लोग यूपी के नज़दीक जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी फील हो रहे हैं। यस भाई, हमारा एक बंधु है किधर, बहुत चिंतित हैं हम। किसके बारे में? राहुल के बारे में। और बुटोन लेने के बाद यहाँ पर हमें फिर राहुल नजर नहीं आया, निकल गया होगा। चलो सिद्ध बाबा मंदिर, ये आ गए हम खुले आसमान के तले, एक सिंगल पट्टी वाले रोड पे। आवाज ज्यादा आ रहा है पीछे से, चैन का है। हमारा दोस्त किधर पहुंचा होगा पता नहीं, रहा भूख लगे अभी जोर से, 6 बज गया तो भूख तो लगेगी। तो दोस्तों हुआ क्या है, अभी जस्ट मैं गिरा था, ठोका था, जब तेरे को ब्रेक मारा था ना, इसीलिए तो ब्रेक नहीं लग रहा ना। तो फ्रेंड्स बड़ा वाला नुकसान हो गया है, हुआ ये है कि मैं सोच रहा था डिस्क पैड एक गिरा है, बट वो गिरा नहीं है, डिस्क प्लेट ही टेढ़ा हो गया है। तो लोकल वाले दुकान में तो मिला नहीं है डिस्क प्लेट, आगे रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर है बट वो शायद 6:30 बजे बंद हो जाता है, अभी वहाँ जाके देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ से 3.4 किलोमीटर पे है रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर, जाके देखते हैं, अगर खुल गया तो ठीक है,
नहीं तो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसे ही बड़ा दिक्कत है, सारा मुसीबत मेरे साथ ही हो रहा है। इंशाल्लाह टेढ़ा है तो पैड भी घिसेगा। हाँ घिसेगा, मैं तो बोल रहा था डिस्पैड निकाल लेते लेकिन वो नहीं जमेगा। नहीं नहीं निकाल लेते तो एटलीस्ट फ्री चलता गाड़ी, लेकिन ब्रेक नहीं रहता। पर फुटबॉल फुटबॉल में है हम लोग अभी, हम ये यहाँ पे हैं। यस यस देखिए देख गया, बंद कर रहे क्या? सर्विस बंद हो गया क्या? अच्छा वहाँ पे है, खुला हुआ है क्या? दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा करवा दो यार, हम लोग को मुंबई जाना है वापस। वहाँ दिख गया आपको, निकल भाई आप। ये बिल्कुल सामने आओगे ना और तो आपको उधर ही पड़ेगा एक ग्राउंड के बाजू में। मैं देखता हूँ कहीं सर्कल मिले तो मैं कट मार के आता हूँ। है क्या कोई? डिस्प्ले टेढ़ा हो गया आगे का। हाँ सो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में। इधर है रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर, लकली इन लोग क्लोज कर रहे थे और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं एंड अपना डिस्प्ले मिल गया है। अभी डिस्प्ले भैया चेंज कर रहे हैं। थैंक यू भैया। तो दोस्तों अभी अपना लेबर चार्ज लगा है 200 रुपीज़ एंड जो पार्ट का प्राइस है वो 5900 नेपाली करेंसी, तो टोटल 6100 नेपाली करेंसी लग गया। चलो थैंक्स टू भैया जो अपना हो गया, तो फटाफट रिप्लेस करवाते हैं एंड उसके बाद चलते हैं। ये ले बिल, तेरा पैसा तेरा बिल, 6100 का बिल भाई, संभाल के रखो इसको। नेपाल में बहुत कुछ हुआ है याद रहेगा। 5 बार गिरा, 2 बार ठोका, 1 नकल काट गायब, 2 बार ठोका। तुम कैसा लग रहा? तुमको बहुत मजे आ रहे हैं, ले लो मजे। जैसे अपना फिट हो गया, अभी बिल लगा रहे हैं भैया, बिल लग जाए उसके बाद फिर रेडी टू गो रहेंगे। तो फ्रंट इसका काम हो गया, अभी पीछे थोड़ा सा चेन टाइट करवा रहे हैं, चेन टाइट हो जाएगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे। हो गया भैया, चलो थैंक यू भैया। तो गए हैं भैया चेक करने के लिए, जा सकता है ना मुंबई तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, ब्रेक वगैरह सब चल रहा है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर बुटवल। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। चलो भाई हो गया सब कुछ, ऑल ओके, ऑल डन, रिमूव सेट, अच्छा हो गया, बाइक बन गया, वो सही बात है। अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं सनोली बॉर्डर के लिए। राहुल से बात हुआ है, राहुल ऑलरेडी सनोली बॉर्डर क्रॉस कर गया है और अपने हम लोग उसको बोले हैं गोरखपुर में मिलेंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सनोली बॉर्डर जाएंगे। सनोली बॉर्डर 10 बजे तक क्रॉस करने के लिए मिलेगा, उसके बाद शायद प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा है बॉर्डर क्रॉस करना, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम लोग फिर देखते हैं डिनर वगैरह करेंगे एंड उसके बाद अगर होगा तो कंटिन्यू पूरा नाइट राइड करेंगे एंड सुबह में आराम करेंगे, वो देखते हैं। वहाँ जाने के बाद बताता हूँ क्या है अपडेट। राहुल ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, राहुल से बात करेंगे, राहुल क्या करने वाला है, रुकेगा या फिर पूरा रात राइड करेगा साथ में। चलिए क्या बोलूँ अभी, इतना कुछ होने के बाद मूड ऑफ हो गया था। लकली रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर मिल गया था एंड लकली वो एक ही डिस्प्लेट बचा भी था उनके पास रॉयल एनफील्ड हिमालयन का, तो अच्छा है कि चेंज करवा लिया। अभी बढ़िया चल रहा है बाइक, बस माता रानी अब और कुछ मत करवाना, ढंग से घर पहुंच जाए। क्या मस्त गेट है यार, बहुत सुंदर। सोने का लग रहा है पूरा एकदम, बढ़िया लाइटिंग, बहुत मस्त, बहुत ही बढ़िया। दोनों साइड बुद्धा, एक और गेट। तो भारत का आगमन, वेलकम टू इंडिया, फाइनली वी आर एंटरिंग इनटू द इंडिया। सर पोखरा से मुंबई, हाँ मुंबई से आए हम लोग। थैंक यू सर, चलो चलो जाने दे दिया। और वी आर इन इंडिया, यस फाइनली वी हैव क्रॉस्ड द सनोली बॉर्डर। मजा आ रहा है सच में बहुत मजा आ रहा है, सच में मजा आ रहा है अंदर घुस के एकदम। जय माता दी,
तो वाराणसी 311 किलोमीटर, गोरखपुर 95। चलो 8 बजे पहुंच गए हैं और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर पहुंच गए। तो फर्स्ट इंटरनेशनल राइड दोस्तों कंप्लीट। तो 90 किलोमीटर है गोरखपुर। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पूरी रात अभी बाइक चलाएंगे टिल प्रयागराज, उसके एंड सुबह में रेस्ट लेंगे। तो मैं, निखिल भाई, स्वप्नदीप साथ में हैं एंड राहुल आगे ऑलरेडी जा चुका है, तो हम लोग उसको कैच करेंगे जल्दी। सिंगल लेन रोड है तो थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा, कोई डिवाइडर नहीं है। फाइनली अपना नेपाल हो गया, अपना देश में आ गए, जैसे तैसे गिरते पड़ते नेपाल डन हो गया यार। इंटरनेशनल राइड कम्प्लीट, अभी बैक टू होम, वही जिंदगी, काम धंधा। यस yes.